क्या अंबानी के जश्न में धूम मचाने वाली रिहाना है मुसलमान? 72 करोड़ की फीस लेने वाली सिंगर के धन पर उठे हैं सवाल। पहली बार इंटरनेशनल सिंगर ने किया था इंडिया में परफॉर्म। तो जानिए असल में रिहाना किस धर्म को करती है फॉलो। अब अगर इन बातों को सुन आप ये सोच रही हैं कि ऐसा हम कह रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमने भी ये बातें सोशल मीडिया की दुनिया के जरिए ही सुनी है। आखिर इंटरनेट पर इस वक्त इंटरनेशनल पॉप सिंगर रिहाना के धर्म को लेकर तरह तरह के सवाल जो खड़े हो गए हैं। जहां एक और रिहाना का नाम पहली बार इंडिया आने से लेकर देश की सबसे अमीर फैमिली द अंबानी के जलसे में परफॉर्म करने के लिए 72 करोड़ रुपए की भारी भरकम फीस लेने के चलते खबरों में छाया हुआ है, तो वहीं अपने देश रवाना होने से पहले रिहाना की जामनगर एयरपोर्ट पर इंडियन पुलिस स्टाफ के साथ दिखी दरियादिली ने भी उन्हें चर्चा का विषय बना दिया था। और अब इन सब के बीच बैड गर्ल रिरी उर्फ रिहाना अपने धर्म को लेकर टॉक ऑफ द टाउन बन गई है। आखिर इंटरनेट वर्ल्ड के एक्टिव यूजर्स का ऐसा दावा जो है कि बारबाडोस के धार्मिक परिवार में जन्मी रिहाना मुस्लिम धर्म से है। जी हाँ, सुनने में ये बात हमारे लिए भी शॉकिंग रही, लेकिन इसका पुख्ता दावा कुछ लोगों ने ही किया है। इन लोगों के मुताबिक रिहाना मुसलमान है और वो इस्लाम को फॉलो करती है। हालांकि लोगों की इन बातों में कितनी सच्चाई है इस बारे में अभी ज्यादा चीजें साफ नहीं हो पाई है, लेकिन यहाँ हम आपको ये जरूर बता दें कि अब से कुछ साल पहले खुद रिहाना ने ही अपने रिलीजन को लेकर मीडिया से बात की थी। दरअसल पॉप सिंगर रिहाना ने साल 2019 में एक मैगजीन इंटरव्यू में धर्म को लेकर खुलेआम बात की थी और कहा था कि मैं ईसाई धर्म को मानती हूँ। अब रिहाना के मुताबिक तो वो क्रिश्चियन है, लेकिन लोगों का दावा कुछ और ही है। बात रिहाना की करे तो वो पॉप म्यूजिक की दुनिया की सबसे बड़ी हस्तियों में से एक है। रिहाना का असली नाम रॉबिन रिहाना फेंटी है। 20 फरवरी 1988 में जन्मी रिहाना बारबाडोस की रहने वाली है। रिहाना ने अपने बचपन में काफी ट्रोमा भी झेला है। सिंगर के पिता शराबी थे, वो रोज उनकी माँ को मारते और गाली देते थे, लेकिन इन सब समस्याओं के बावजूद रिहाना ने अपने पिता से बिजनेस की कई स्किल्स को सीखा। जब उनके पिता सड़क के किनारे कपड़े बेचा करते थे तो कभी कभी रिहाना भी उनके साथ खड़ी हो जाती थी। रिहाना ने स्कूल में छोटे आइटम और मिठाई बेचकर घर की आर्थिक स्थिति को भी संभाला है और अपनी मेहनत के दम पर उन्होंने 17 की उम्र में पहला गाना गाया, जिसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। आलम ये रहा कि 33 साल की उम्र में ही रिहाना अरबपति भी बन गई थी। वहीं दुनिया भर में मशहूर रिहाना कुछ दिनों पहले ही पहली बार इंडिया भी आई थी। एशिया के सबसे अमीर बिजनेसमैन मुकेश अंबानी के बेटे अनंत के प्री वेडिंग फंक्शन में परफॉर्म करने के लिए रिहाना को बुलाया गया था। वहीं इस भव्य जलसे में परफॉर्म करने के लिए रिहाना ने करीब $8 मिलियन की फीस चार्ज की, जिसे इंडियन रुपीज में देखे तो ये रकम करीब 54 से 74 करोड़ रुपए की आसपास है। ब्यूरो रिपोर्ट E24।